वाड़ी में जो आज कैबिनेट की बैठक यहाँ पे हुई वो इसी जगह पे हुई, ये आयुक्त सभागार आप पीछे देख रहे हैं, लेकिन जो बैठक है उसमें कोई बहुत ज़्यादा वाड़ी के लिए कुछ उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती, क्योंकि केवल एक ही मुद्दा जो काली झील है जिसके लिए मुख्यमंत्री खंडूड़ी के जमाने से बात हो रही है कि वो पौड़ी में बनेगी, उसके लिए करीब 7 करोड़ रुपए इसकी वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति बन चुकी है और 2 करोड़ रुपए उसके लिए निर्गत भी किए जा रहे हैं। उसके अलावा कोई बड़ा निर्णय आज नहीं लिया गया। आप देख सकते हैं कि नीचे एक जो विशाल का है आप टेंट देख रहे हैं, नीचे ये बड़ा टेंट यहाँ पे लगाया गया है और बताया जा रहा है कि 50 से 60 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ है। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ नीतिगत और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर काफी लंबी चर्चा यहाँ की गई। सर कितने बजे है सर प्रेस? इसके अंदर स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन अब अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर इतनी गर्मी है कि कहीं से भी ये आभास नहीं हो रहा है कि आप पौड़ी में हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो पौड़ी की जनता है वो बड़ी नाउम्मीद है कि पौड़ी के मुख्यमंत्री पौड़ी के हैं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी के हैं, धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री पौड़ी के हैं, हरक सिंह रावत वन मंत्री पौड़ी के हैं और पौड़ी को केवल वाली झील का झुंझुना। अब सुबह कल 10 बजे सुबह फिर हम यहाँ पे आएंगे और प्रेस में उनसे मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे कि आखिर करोड़ों रुपए की जो ये बैठक पौड़ी में आयोजित की गई उसका मकसद क्या केवल पौड़ी की ठंडी हवा का आनंद लेना था। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।